विभिन्न कंपनियों के द्वारा लोगों का पैसा न लौटाने और भुगतान न करने से नाराज पीड़ितों और एजेंटों ने आज दुबानी के बुद्ध पार्क में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। बता दें कि विभिन्न कंपनियों ने लोगों को प्रलोभन देकर उनका पैसा तो निवेश करा दिया गया, लेकिन अब कई साल बीत जाने के बाद भी पैसा नहीं लौटा रही है। पीड़ितों ने कहा है कि मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के खिलाफ बट्स एक्ट 2019 और राज्य के PID एक्ट के तहत धोखाधड़ी और ठगी की FIR तक दर्ज नहीं की जा रही है। हल्द्वानी से दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। किसी को आवास के प्लॉट के नाम पर, स्वरोजगार के नाम पर, और ये सब ठगी पीड़ित लोग हैं और ठगी पीड़ित लोगों के वेलफेयर के लिए, इनके पुनर्भुगतान की व्यवस्था के लिए भारत सरकार ने एक कानून बनाया है, अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019, जिसे शॉर्ट में बट्स एक्ट 2019 बोल देते हैं। उस कानून में सरकार ने ये व्यवस्था दी है कि प्रत्येक ज़िले में एक कंपिटेंट अथॉरिटी होगी जो DM होगा, और DM के यहाँ ये सब अपना आवेदन फाइल करें भुगतान का। लोग सारे ये जमा करता है, जिन्होंने पैसा जमा किया, कंपनी इनका पैसा नहीं दे रही है, और पुलिस वाले FIR किसी की लिखते नहीं है। जो FIR लिखी है वो उस पर कुछ नहीं हो रहा। हम लोगों को हमारा पैसा वापस चाहिए, और DM कार्यालय में आज हम ये पैसा जमा कर, ये फॉर्म अपने जमा कर रहे हैं। कई कंपनियों को सरकार ने लाइसेंस दिया और कई वर्षों से कंपनियाँ चलती रही, ठीक प्रकार से चल भी रही थी। ऐसा नहीं है कि कंपनियों ने किसी का पैसा वापस नहीं किया हो, वापस भी किया। और इसके पश्चात अचानक 2014 से एक प्रकार की बाढ़ सी आ गई कि सरकार के माध्यम से कंपनियों पर बैन लगाना प्रारंभ हो गया।